तो गाइस अभी हम चंडीगढ़ में हैं सेक्टर 26 में। तो हुआ यूँ कि डिनर करने के लिए भी हम अभी बाहर आए, थोड़ा सा देखते क्या करते डिनर में, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो असल में सेक्टर 26 में क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जितने भी मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जितने भी मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें कि हम होटल में रुके थे, चंडीगढ़ आए हैं, होटल में रुके हैं और वहाँ पर मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो अभी हम डिनर करने आए हैं बाहर सेक्टर 26 में, चंडीगढ़ में ही है। अब मैं दिखाता हूँ कार। तो असल में जहाँ हम आ रखे हैं यहाँ पे, मतलब वहाँ दूर जहाँ आपको लास्ट दिख रहा है ना, लास्ट उस दूर से जहाँ से वो लाइट चमक रही है, वहाँ से लेके यहाँ तक मतलब खाने पीने के ये पूरा आप इसमें भी जाओगे आपको अलग अलग तरीके से खाना मिलता रहेगा। डिनर है, अलग है, जो भी आप खाना चाहते हो सब कुछ। तो हम भी चलते इन्हीं में से किसी एक में फटाफट से। टाइम भी हो चुका है, 9 बज गए शायद लगभग। तो हम उस साइड जाएंगे, आगे कई साइड देखेंगे कहाँ जाता है ना। आप क्या कहना चाहते हैं दीदी इसके बारे में? किसके बारे में? यहाँ के बारे में। अभी तो हमने क्या कहते हैं, मेरे को लेना, मैं बोली थी कि अभी तो हमने वैसे खाना खाया नहीं है, बट मेरे को यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ की वाइब अच्छी लगी। एंड अब देखो धीरे धीरे क्या होता है। यहाँ हमें पीतल के ग्लासेस में पानी मिला है। जैसे पीतल के ग्लास, पीतल के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है सेहत के लिए शायद, कि तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, सॉरी पर यहाँ पीतल के ग्लास में नेचुरल जो भी मतलब मेटल होता है उसमें अच्छा ही होता है। ओके, तो भैया कुछ लाए, देखते क्या लाए भैया। तो गाइस अभी आया है चाट, चाट को टेस्ट करते हैं। गाइस पापड़ी, जैकेट उतार दो। ये पापड़ी बहुत मस्त हो रही है और मैंने यहाँ पे हाथ इसलिए लगा रखा क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो गाइस अभी आया सिज़लर आ रखे अभी स्टार्टर्स में ना। सो गाइस आज क्या कहते हैं, सो गाइस आज हम पहली बार पाइन एप्पल पिज्ज़ा खाने वाले हैं, आई मीन पाइन एप्पल ऑन पिज्ज़ा। करो टेस्ट। थोड़ी सी वो मिठास आ रही होगी। अच्छा नहीं है, बेक्ड पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा है, पर बेक्ड की बारबेक्यूड पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा है, पर मस्त है। और पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल का टेस्ट अच्छा है, मुझे पिज्जा नमकीन चाहिए। चलो अब मैं ट्राई करती हूँ, मैं बताती हूँ ओरिजिनल रिव्यू। ये प्रॉपर फूडी लोग नहीं है। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जितने भी मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जितने भी मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। आज है दूसरे दिन हमारे चंडीगढ़ में, मतलब कल शाम को हम लोग पहुँचे थे तो रात को हमने यही होटल में स्टे किया। तो अभी मतलब सुबह के बज रहे हैं 7:30, मैं तो पहले से उठ गया था लगभग
तो मैंने 5 बजे उठा था, मैंने वीडियो एडिटिंग की, थोड़ा बहुत अपलोड किया, डिस्क्रिप्शन वगैरह, थंबनेल वगैरह, इन सब में टाइम हो गया, अब 8:30 बज चुके हैं। तो मैं अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ ना, अभी ऐसे आ रखा, मतलब थोड़ा बालकनी भी नहीं है ये है, तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता अभी दिखाता हूँ मैं। तो ये है वो गेट, यहाँ से फिर बाहर निकल के कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, वैसे तो अगर जा सकते हैं तो मर्जी है। फिलहाल यहाँ से व्यू कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे आसपास सारे होटल्स वगैरह ही हैं। सूरज महाराज वहाँ से आ रहे हैं हमारे, तो बस थोड़ी देर में फिर अभी हम लोग जाएंगे, मतलब भैया के काम से, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लगभग, देखते हैं जितना भी टाइम लगेगा वहाँ पे उस काम को कंप्लीट होने में। तो काम ख़त्म करते हैं फिर हम लोग वापस देहरादून के लिए निकलेंगे आज ही, तो देखते हैं फटाफट क्या क्या होता है ना रास्ते में, हम लोग क्या करते हैं, भैया क्या करेंगे, और आपको दिखाते रहेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में जो लोग नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, अपने रिलेटिव्स पे। बस मिलते हैं आपसे, ब्लॉग आपसे हम मिलते रहेंगे। प्लेन की आवाज़ आ रही है शायद। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अभी ये आवाज है ट्रेन की और एरोप्लेन की भी आ रही है। गाइस यहीं कहीं से एरोप्लेन की आवाज आ रही है, यहां से ट्रेन की आवाज आ रही है। कितनी अच्छी बात है ना। तो गाइस अब हम द होटल पर्ल से, जिसमें हम रुके हुए थे कल, वहाँ से चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, और अब हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी, वहाँ है भैया कुछ काम, तो देखते फटाफट से वहाँ पे वो काम निपटाते हैं जितना भी टाइम लगेगा उसमें, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे देहरादून के लिए वापस। तो बस आप ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि आज हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करना और वीडियो में अपने कमेंट जरूर करना, और जो नए हैं चैनल में उसको सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं ब्लॉग में, आप ब्लॉग में बने रहिए बस। तो गाइस हम द पर्ल होटल से होते हुए अब जा रहे हैं सेक्टर 32 की तरफ, क्योंकि वहीं पर है कॉलेज, भैया का जो गवर्नमेंट कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे, मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। चंबल वर्ड खेल रहा हूँ मैं यहाँ पे गाइस, तो असल में यहाँ पे ना ट्रैफिक मतलब रूल्स है जो बहुत तगड़े हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल है यहाँ पे, सीरियसली बताओ एकदम कानूनी कार्रवाई हो रही है तगड़ी वाली। ऐसा होता है वैसे तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब फटाफट चलते बनते हैं, आप भी बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए चंडीगढ़ की खूबसूरत और सुंदर और चौड़ी सड़कों को। दिल्ली में भी है काफी सुंदर है, चंडीगढ़ में भी है। भाई मैंने एक और चीज देखी यहाँ पे कि जैसे दिल्ली में ऐसे गोल चक्कर जो होते हैं ना, तो उसमें से हम लोग निकल जाते हैं नॉर्मली, सभी लोग निकल जाते हैं, गोल चक्कर इसलिए होते हैं ना ताकि जिसको जिस साइड जाना हो वो चले जाए, लेकिन यहाँ पे गोल चक्कर में भी रेड लाइट है, देख सकते हो कितना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे ट्रैफिक रूल, तभी बिना हेलमेट के घूम रहे लोग, होता है कभी कभी नहीं। तो गाइस वो उस तरफ पेड़ के पीछे है कॉलेज एंड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल, तो ये रहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ का सेक्टर 32 में, तो यहीं जाना है हमें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये रहा, काफ़ी बड़ा अंदर से, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है ये अंदर से, बाहर से तो दिख ही रहा है तो अंदर से तो होगा ही। हम अभी पार्किंग एरिया में थे, देख सकते हैं आप
काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी है ना। और ये रहा कॉलेज हॉस्पिटल दोनों, तो ये पूरा बटा हुआ है यहाँ पे आस पास, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ना। अब अंदर चलते हैं फटाफट से ना। सो गाइस भैया आगे आगे, हम पीछे पीछे, भैया का काम है तो भैया काम करवाने जा रहे हैं और हम थोड़ा टफरबाजी करने जा रहे हैं, थोड़ा घूमने। टफरबाजी नहीं, मुझे भूख लगी, हम खाना खाएंगे। दीदी को भूख लगी यार, भूख तो खैर सुनो मेरे को देखो। ये मैंने पहले ऐसे लोग देखे हैं जिनको सुबह हो चाहे शाम हो चाहे कुछ हो, इनको भूख ही नहीं लगती है, ठीक है। और मैं इनके साथ आगे बहुत परेशान हो गई हूँ, रात को भी इनको लग रहा था कि नहीं क्या खाना है और क्या खाना है ये वो, अभी भी बोल रहे हैं हमें भूख नहीं लगी, मुझे तो लगी है तो मुझे खाना है अभी खाना। देखो भाई मैं अपनी बताता हूँ, मैं तो भुक्कड़ हूँ ही, लेकिन ऐसा कि पहले जो काम है उस काम को कंप्लीट करा लो, उसके बाद तो खाना खाते रहो सारी जिंदगी भर, क्या करना। अरे तो भाई काम हमारा थोड़ी है यार, काम हमारा थोड़ी है, काम जिसका है वो करवा रहा है, हम खा लेते हैं ना तब तक। ये भी है, चलो खा ही लेते हैं, भैया करा रहे हैं तब मैं सोच रहा हूँ क्या पता भैया सोचे कि यार ये तो अपना मौज कर रहे हैं। नहीं तो भैया ने हमें पहले ही बोल दिया था कि तुम खाना खा लेना, मैं अपना काम करवा के उसको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं बस। ठीक है फिर हम भी नाश्ता करने चलते, कुछ मिले अगर खाने को तो। भैया चले गए अपना काम कराने, हम नाश्ता करने चलते हैं। यस हम खाना खाने जाएंगे, आपको दिखाता हूँ मैं तब तक और व्यूज यहाँ के। आपको एक बात तो, जैसे भीड़ मैंने सफदरजंग में देखी थी ना, वैसे ही भीड़ मुझे यहाँ भी दिख रही है, मतलब शायद गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स में जितने भी होते हैं सब में ऐसी भीड़ रहती है। तो सच बात है बहुत ज्यादा। ये देखो देख रहे हो गाइस भीड़। सो गाइस अभी हम भैया के साथ काम कराने आ रखे हैं, थोड़ा हमने सोचा उसके साथ काम करवा देते हैं, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स लेने अपने, वो लेके फिर हम जाएंगे खाना खाने। दिखाता हूँ मैं कहाँ गए भैया। तो गाइस यहाँ पे जा रखे भैया एकेडमिक सेक्शन ऑफ पीजी। अब आएंगे थोड़ी देर में अपना काम करा के, या जैसा भी होगा जितना भी टाइम लगेगा फिर हम चले जाएंगे। सो गाइस काम हो गया भैया का, बहुत जल्दी हो गया, मतलब एक्सपेक्टेशन जितने थे उससे ज़्यादा जल्दी हो गया काम। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं नाश्ता पूजा करने, ब्रेकफास्ट करने के लिए। भैया कैसा लगा आपको काम करा कर? काम करा के तो अच्छा लगा, पर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं लगा। नए लोगों को ज़बरदस्ती लूटते हैं यहाँ पे, फालतू के रूल्स बना के चालान काटे जाते हैं। हाँ ये तो बात है, क्योंकि एक फालतू का चालान कटा शायद अभी, मतलब का चालान काटा उन्होंने, मतलब आगे पीछे, मतलब एक ऐसा था एंट्री का रास्ता था, आगे जाओ पीछे जाओ कुछ बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, उस पर मर्जी है वो, तो मैं समझ गया कि काटने वाले कैसे काटते हैं। खैर कोई बात नहीं, न्यू लोगों को फंसाने का तरीका है वो बस और कुछ नहीं, ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। पर ऐसे मतलब अरे आप लोगों को भी पता है, बताने की बात नहीं, एटलीस्ट कोई बोर्ड लगा के रखे, कुछ लगा के रखे, तब जाके तो कोई उस चीज को फॉलो भी करे, जब उन्होंने कुछ बोर्ड ही नहीं लगा रखा तो कोई कैसे फॉलो करेगा। हाँ ये भी है, पर बात पता है जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक वाले जो ट्रैफिक पुलिस है वो कैसे काटते ना चालान, चंडीगढ़ में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये दूसरे लोगों को फालतू में लूटना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम आगे चालान कटते हैं, आपको तो पता ही है, सब लोगों को पता है इस बारे में। तो हम जा रहे हैं कहाँ भैया? नाश्ता करने के लिए कहीं, देखते हैं अभी, पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी, हम सोचते हैं कहाँ जा रहे हैं, पर जाएंगे जरूर, वो भी आपको दिख जाएगा पनीरी ब्लॉग, ठीक है। भूख लग रही है दीदी को बहुत ज्यादा, दीदी कह रही है कि अब चूहे मर चुके हैं, पागल पागल हो चुकी है भूख से। अब दीदी को हमें देख कर ऐसा लग रहा है, लोगों को देख कर ऐसा लग रहा है कि वो खाना है, खाना है, खाने का मन कर रहा है दीदी को। चलते फटाफट से, नहीं लेट नहीं करते, आप भी ब्लॉग में बन रही है फटाफट। तो गाइस हेलीकॉप्टर था यहाँ पे भी, पार्किंग में आ चुके हैं हम। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस, तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस देहरादून की ओर, और बात ऐसा है कि मतलब अब देखते हैं रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा तब खाएंगे, क्योंकि टाइम से घर पहुँचे तो अभी सही है, 11 बज चुके हैं वैसे, बस फटाफट निकलते हैं यहाँ से, 11 नहीं बजे मतलब 10:45 हो रहे अभी, पर निकलते हैं फटाफट से, टाइम पे घर पहुँच जाएंगे, रास्ते में देखेंगे खाने खाने का भी। और अभी हम चंडीगढ़ में ही है वैसे, निकल रहे हैं देहरादून की ओर, तो रास्ते में वही खूबसूरत वादियाँ, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत खेत, पंजाब के, हरियाणा के, और उसके बाद हमारे खूबसूरत पहाड़। तो देखते फिर इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में और देखते रहिए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है।
इस हाईवे से होते हुए अब जाएंगे हम देहरादून की ओर धीरे धीरे। फिलहाल अभी रास्ते में बहुत सारी जगह आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे देख सकते थोड़ा बहुत पहाड़ भी है ना इस टाइप से। लस्सी। तो गाइस इस साइड हमने खाना खाया पीछे होटल में, चलते फटाफट ना। अभी भी खाना खाया, 12:30 बज चुके हैं, चलते अब। सो गाइस अब हमने कर ली है हिमाचल प्रदेश में एंट्री इस गेट के बाद। इसका क्या मतलब है इधर उधर? तो हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं इसके बाद। यहाँ पे एक मंदिर भी है, हनुमान मंदिर काला। सो गाइस ये है हमारे हिमाचल के पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, दोनों तरफ पेड़ और बीच में रोड, काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारे देखकर भी। तो चलते फटाफट से देहरादून की ओर। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस कर दिया और इस साइड है पोंटा साहिब, दिखाता हूँ मैं आपको। एकदम बॉर्डर पे है ना, यहाँ पे ये रहा पोंटा साहिब गुरुद्वारा, काफी अच्छा है। In 500 meters, keep left. और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं देहरादून की वादियों में, देहरादून की तरफ, अपने पहाड़ों में, अपने उत्तराखंड में, अपने गढ़वाल में। बस चलते हैं देहरादून की ओर। यहाँ से कितना दूर है देहरादून लिखा हुआ है बोर्ड पे, वैसे कभी गलत भी लिखा होता है लेकिन फिर भी देहरादून 50 किलोमीटर लिखा है यहाँ से। In 200 meters, keep left. और पीछे देहरादून 48 किलोमीटर है, सोच सकते हो आप। कोई बात नहीं, चलते देहरादून की तरफ। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून के ISBT पे। हाँ जाते हुए हम किसी और रास्ते से गए थे, आते उस किसी रास्ते से, इसलिए। तो ये रहा देखो देहरादून का ISBT राइट साइड में, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अभी आपको। हाँ गाइस ये रहा अंदर देहरादून का ISBT। घर की ओर ही जा रहे हैं बस हम लोग, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में।